नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com और लल्लनटॉप की चुनाव यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश के मंडला में है। टीम हीरा फिलहाल उस जगह पे खड़ी हुई है जहाँ पे जो मंडला के आगे जो गढ़ मंडला लगा और 52 गढ़ों की बात होती है और वहाँ से जुड़ा हुआ जिक्र आता है रानी दुर्गावती का और उनसे जुड़ी पहचान की राजनीति का जो केंद्र है वहाँ पे मंडला शहर के बीच में। ये जो आसपास आप देख रहे हैं सारे भग्नावशेष हैं जो गौंड वंश के राजाओं के समय बने और इन सब के बारे में बात करने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति यदि मंडला में कोई है आप किसी से भी खड़े होकर पूछेंगे तो उनका नाम है गिरजा शंकर अग्रवाल। सर हमारे साथ खड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लनटॉप के इस खास पेशकश में जिसमें हम जो गौंड वंश के राजा हुए हैं और गौंड वंश का जिस तरह से उत्थान होता है यहाँ पे वो आते हैं और उनकी आप ये कहिए कि उनकी पूरी डिनेस्टी चलती है उन सब पे बात करना चाहते हैं। गिरजा शंकर अग्रवाल पेशे से व्यवसायी थे लेकिन इनका कहना है कि चूंकि ये मंडला के रहने वाले थे और मंडला का एक ऋण इन पे था जो ये चुकाना चाहते थे इसलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा जो यहाँ की गौंड हिस्ट्री है गौंड आर्किटेक्चर है जो गौंड राजा हैं उन पे रिसर्च करने में बिताया है। बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हैं इंटैक से जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर क्या है हेरिटेज इंटरनेशनल जी हाँ इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर ए से क्या है कल्चरल हेरिटेज ठीक है मेरे बताने में गड़बड़ हो गई है ठीक है इसको हम पैच कर लेंगे ठीक है। और फिलहाल गौंडी पब्लिक ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। तो सर शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जो कहा जाता है कि गौंड वंश के राजा और 52 गढ़ों का मंडला ये सारी बात शुरू कहाँ से होती है? ये मंडला जो है गौंड राजाओं का प्रमुख क्षेत्र रहा है। गौंड राजाओं ने यहाँ से 1400 वर्षों तक लगातार राज्य किया है और रामनगर में भी इनका एक बहुत बड़ा शिलालेख लगा हुआ है। अच्छा। जिसमें 56 राजाओं की वंशावली दी हुई है। ये लगभग ईस्वी सन 150 से लगातार 1400 वर्षों तक गौंड राजाओं ने इस क्षेत्र पर राज्य किया है। अच्छा। मंडला उसका एक प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। मंडला में राजराजेश्वरी का मंदिर उन्हीं लोगों का बनवाया हुआ है। हमारे पीछे राजराजेश्वरी मंदिर है और यहाँ पे ये यहाँ की संस्कृति का भी केंद्र है और इतिहास का भी जहाँ जब यहाँ पे कई यहाँ की राजनीति में भी इसका बहुत ये है कि जब यहाँ के प्रत्याशी पर्चा भरने जाते हैं तो पहले यहाँ मत्था टिकाने आते हैं एक बार। ठीक है सर। गौंड राजा ने जामशाह ने राजाधार की पहाड़ी से ला करके अपनी देवी की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की थी और तब से यह गौंड राजाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है और जो भी कार्य गौंड राजा लोग करते हैं तो यहाँ पर आकर के पहले देवी की मान्यता मानते हैं और फिर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। अच्छा सर चलते चलते बात करते हैं और फिर एक जगह तसल्ली से बैठ भी जाते हैं। सर की उम्र बहुत है 87 लेकिन अभी भी बहुत एक्टिव हैं। जब हमें इनके बारे में बताया गया और इन्होंने हमें वक्त देने के लिए हाँ कर दी तो ये बताया गया कि ये रामनगर भी जाने को राज़ी थे जो कि यहाँ की पास ही वहाँ पे किला है और यहाँ से 25 किलोमीटर है और इन्होंने कहा था मुझे वहाँ चल के भी शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव रहा इसीलिए हम लोग फिलहाल मंडला में जो अवशेष हैं उन्हीं के पास हैं। सर अपने जो पीछे है ये क्या चीज़ है? ये मंडला का जो किला है ये करीब करीब 4 वर्ग मील में ये बना हुआ है। इसमें इस प्रकार की 14 बुर्जें थी और यहाँ से जो बाहर आक्रमणकारी आते थे यहाँ पर सेना रहती थी और सेना यहाँ से उनको आक्रमण करके मार भगाती थी। अच्छा तो सर आपने कहा कि गौंड वंशावली चली और 50 से ज़्यादा राजाओं का जिक्र होता है जो रामनगर में शिलालेख हैं, इसमें से जो सबसे पहले कौन से होते हैं और कैसे वो अपना राजकाज यहाँ पे बसाते हैं? लगभग 1400 वर्षों पूर्व से रामनगर में एक शिलालेख लगा है उसके अनुसार ही ये जानकारी प्राप्त होती अच्छा। है कि यहाँ पर गौंड राजाओं ने अपना राज्य किया था। ठीक सर, जो अपन 52 गढ़ कहते हैं मंडला के वो 52 गढ़ कौन से हैं और ये 52 की संख्या कहाँ से आती है? 52 गढ़ संग्राम सहाय के 52 गढ़ थे। अच्छा। और संग्राम सहाय का प्रमुख केंद्र था जबलपुर में संग्रामपुर। अच्छा।
वहाँ से ये पूरे क्षेत्र में उनके बावनगढ़ बन गए थे। ठीक है, इस तरफ राजा संग्राम बैठ जाते हैं ना। हाँ, राजा संग्राम साय एक अत्यंत प्रतापी राजा था। अच्छा। और उसने अपने पौरुष और शक्ति के द्वारा बावनगढ़ों को जीत करके अपने राज्य में मिलाया था। अच्छा। एक शक्तिशाली संगठित राज्य बनाया था जो शक्ति के बल पर नहीं वरन सभी लोगों की सहमत से बना। अच्छा। करके उसने उस राज्य का विस्तार किया था। अच्छा, तो ये संग्राम शाह की बात हुई। सर, बाहर वालों के लिए ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो मंडला से बाहर के हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, जैसे तुम्हारे पीछे सीढ़ी है, ठीक है, उन लोगों जब वहाँ वो एक ही स्वर में एक ही लाइन में ये कह देते हैं कि एक रानी दुर्गावती नाम की कोई रानी हुई थी जो कि गौंड रानी थी और उसने मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इस बात में कितनी सत्यता है? राजा संग्राम शाह ने जब बावनगढ़ अपने अधिकार में किए तो उसकी पुत्र वधू थी रानी दुर्गावती। राजा संग्राम शाह का पुत्र था दलपत शाह। दलपत शाह की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाने के कारण रानी दुर्गावती ने पूरे राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ली। अच्छा। और उसका संचालन किया। ठीक है। रानी दुर्गावती का एक पुत्र था वीर नारायण नाम का, उसके नाम से उसने पूरे राज्य की संचालन व्यवस्था की। रानी दुर्गावती केवल 6 वर्ष की विवाह उपरांत विधवा हो गई थी। अच्छा। वीर नारायण उसकी लड़के का नाम था, उसके नाम से उसने अपने पूरे राज्य का संचालन किया। दुर्गावती चंदेल वंश की रानी थी और बहुत अपने पिता की एकमात्र पुत्री थी। कालिंजर में उसके पिता रहते थे और वहीं पर उसने युद्ध विद्या, घोड़ों पर सवारी करना, ये सब कुछ सीखा था। अच्छा। और पिता के साथ में वह अपना काम देखती थी। जब वहाँ सिंगौरगढ़ वापस आई तब भी उसको यहाँ की राज्य व्यवस्था में उसको देखना पड़ा। ठीक है। सर, इस बात पे खूब जोर दिया जाता है कि रानी दुर्गावती और रानी दुर्गावती की जिस तरह से बात की जाती है कि रानी दुर्गावती इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसमें अकबर का नाम भी लिया जाता है कि वो उनसे लड़ी और जीती, इससे धर्म से जोड़ना कितना सही रहता है? देखिए, इसको धर्म से जोड़ना तो कोई महत्व की बात नहीं है। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की व्यवस्था और अपने राज्य को संचालन करने के लिए, राज्य की रक्षा के लिए ही सारा काम किया है। उस समय धर्म और राजनीति से कोई संबंध नहीं था। अच्छा, तो उनकी जो अकबर से लड़ाई है या उनकी जो मुग़लों से लड़ाई है उसका केंद्र धर्म न होकर के राज्य था? हाँ, अकबर चाहता था कि रानी दुर्गावती की उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। अच्छा। और उसको बराबर हर माह हर वर्ष में कर के रूप में एक राशि देती रहे। रानी दुर्गावती ने कहा कि ये संभव नहीं है और मैं इसको नहीं मानती हूँ, इसलिए रानी दुर्गावती और अकबर बादशाह के साथ युद्ध हुआ। सर, जो गौंड राजा हुए थे और जो 52 गढ़ों में उनका शासन चलता था, उनकी जो परंपराएं थी और जो वैदिक परंपराएं हैं हिंदू धर्म की, उनमें क्या वो एक ही थी या वो अलग अलग थी? और जो रावण उपासना वाली बात की जाती है कि वो रावण के पूजक थे, इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बात कहाँ से आती है? जो यहाँ के गौंड राजा थे ये पूर्ण रूप से वैदिक परंपरा को मानने वाले थे। रावण भी वैदिक परंपरा को मानने वाला एक विद्वान था, परंतु चूँकि वह बहुत दूर रहता था, भारतवर्ष के मध्य से लंका बहुत दूर थी, इसलिए दोनों की संस्कृति में बहुत अंतर था। और इसलिए हमेशा यहाँ के लोगों ने रावण को प्रश्रय नहीं दिया और एक अलग संस्कृत के रूप में उसका नाम जागृत किया। अच्छा। तो सर, जो वो बात होती है, मतलब जिस बात पे कई गुटों का बल है कि जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की राजनीति फिलहाल चल रही है उसके बरक्स एक दूसरी गौण राजनीति हो सकती है गौण प्रतीकों के इर्द गिर्द, वो उस एक्सरसाइज के बारे में आपका क्या कहना है, मानना है? कुछ आज के राजनीतिज्ञों ने गौणों को हिंदुओं से अलग करके एक गौण राज्य अलग बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और उसके तहत राजनीति का काम कर रहे हैं। अच्छा। जबकि
गौण और हिंदू कोई अलग अलग जाति नहीं है। अच्छा। ये उसी का एक वर्ग भेद है गौण। अच्छा। जो गौण जिनको अपन कहते हैं। लेकिन सर आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इन दोनों में मत एक के नहीं था, कभी एक मत के नहीं रहे, तो उसका क्या कारण रहा सर? राजनीतिज्ञों ने या यहाँ की ब्राह्मण परंपरा ने इन गौण राजाओं को हीन दृष्टि से समझा, इसलिए दोनों में मत एक के नहीं बन पाया। अच्छा। हाँ। मतलब एक गलती रहेगी जो वैदिक परंपरा में जिनके हाथ में सत्ता थी, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने गौण राजाओं के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा। हाँ। और वहाँ से वो रार पनपती है। हाँ। जहाँ से अलग। हाँ। गौण राजनीतिक बात होती है। एक सर और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत रिसर्च किया है, कि जब हम कहते हैं कि जो गौण प्रतीक हैं, जो गौण राजा हैं, वो वैदिक हिंदुत्व में वैदिक परंपरा का ही हिस्सा हैं, तो क्या इससे जो उनकी अलहदा पहचान है, अलग जो उनकी संस्कृति रही है, उनके किले रहे हैं, उनके संघर्ष रहे हैं, क्या वो मतलब आप ये कहिए कि वो फ्लैट नहीं हो जाते हैं, क्या वो खो नहीं जाते हैं कहीं उसमें? देखिए, गौण राजाओं के द्वारा जितना भी निर्माण किया गया है वो सारी वैदिक परंपरा के अनुसार किया गया है, और उनमें आज भी वैदिक परंपरा के अवशेष देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अभी इधर के दिनों में मतलब बड़ी कोशिश हुई कि रानी दुर्गावती, जैसा आपने बताया कि रानी दुर्गावती ने जो कुछ भी किया उसका लक्ष्य हमेशा सत्ता रही या अपने राज्य को बचाना रहा, क्योंकि उनके पति नहीं थे और उनको अपने राजकुमार के नाम से शासन करना था। लेकिन चूंकि दुर्गावती ने की जो लड़ाई रही वो एक मुसलमान राजा के खिलाफ रही, तो इस बात पे खूब बल दिया जाता है, विशेष रूप से कि रानी दुर्गावती एक हिंदू रानी थी जिन्होंने धर्म रक्षा की है। जब रानी दुर्गावती विधवा हो गई तब अकबर बादशाह ने और मुगल साम्राज्य ने रानी दुर्गावती के ऊपर बहुत प्रकार से दबाव बनाया। अच्छा। और वह चाहते थे कि रानी दुर्गावती अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार करके अपने राज्य को उसमें सम्मिलित कर ले। अच्छा। रानी दुर्गावती क्योंकि हिंदू परंपरा से प्रभावित थी, इसलिए कभी उसने मुगलों का साथ नहीं दिया, और इसलिए हमेशा आया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतिहास के बारे में बताया। अब थोड़ी बात भविष्य की करते हैं, कि जितने गौण प्रतीक यहाँ भी बचे हैं, जितने किले हैं, राम नगर में बहुत बड़ा किला है, और मंडला में जो बुर्ज है या राजराजेश्वरी मंदिर है, इनको बचाने के लिए क्या जो सरकार फिलहाल की है वो पर्याप्त प्रयास कर रही है? गौण राजवंश की जितने भी विरासतें आज हमारे इस ज़िले में बची हुई हैं, शासन की ओर से इनकी देख रेख की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर शासन के पास जाए बात की भी जाती है तो ना तो उनके पास उतनी संपत्ति है, पैसे हैं, और जो इस काम में दक्ष हो, उनका लक्ष्य भी इस ओर विशेष नहीं जाता है कि हम इन परंपराओं को बनाएं और बचा के रखें। अच्छा, ये एक दुखद बात है कि इतनी रिच हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें तो मैं भी नहीं जानता था, कि मुझे आने के बाद मालूम चला कि 52 गढ़ मतलब आप समझ लीजिए 52 छोटे 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 राज्य और उनका समुच्चय एक, जिसकी राजधानी मंडला थी। मेरे ख्याल मंडला उनका एक प्रमुख स्थान था, और चूँकि 52 गढ़ उसके पूरे राज्य में थे, ये छोटे छोटे किले बना के रखते थे। तो जो रामनगर का जो बड़ा किला है उसका, वो किसने बनवाया था सर और क्यों? ये रामनगर का किला किसने बनवाया है ये बात आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। अच्छा। हाँ, रामनगर का किला काफ़ी पुराना है, और ये कहा जाता है कि वो भगवान राम के समय से उस क्षेत्र की परंपरा रही है। अच्छा। पास में मतपुरी ग्राम है, वहाँ पर लवकुश का राज हुआ करता था, और लवकुश का वहाँ पर युद्ध भी हुआ था भगवान राम के साथ में। इस प्रकार की बहुत सारी दंत कथाएं चालू हैं। ठीक है, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के लोग काफ़ी पैशनेट हैं, उन प्रतीकों के लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको समय देने के लिए। बड़ा इंतज़ार हमने इन्हें करा दिया था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, जो हमको आपको लेने आने में देरी हुई है, और हमारे पूरे दर्शक वर्ग की तरफ से, ललन टॉप की तरफ से, और ललन टॉप की चुनाव यात्रा जो है, जो हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर हैं सर्ज बाबू, उन सब की तरफ से हम आपको समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
जो बात सर ने आपको बताई है फिलहाल, अगर उसको आप तसल्ली से सुनेंगे तो जो गोंड पॉलिटिक्स है और गोंड पॉलिटिक्स के जो नतीजे हैं, जो रिपरकशंस हैं, आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं। जैसे वो दो तीन चीज़ें जिनको मैं दोहरा देना चाहता हूँ एक ऐसे क्लोजिंग रिमार्क की तरह से, कि जितनी आसानी से ये कहा जाता है कि रानी दुर्गावती एक हुई थी, जो कि हमें अभी अभी बताया गया कि गोंड रानी नहीं थी, वो चंदेल वंश की रानी थी, लेकिन इस इलाके की रानी थी। उन्होंने क्योंकि अकबर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और ऐसे बुर्ज उस लड़ाई में काम आते थे जो प्रतीक आज मौजूद है, इसलिए देखिए ये झंडा भी एक बार जरी दिखा दो, मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में, है ना। तो इसलिए ये होता है, तो इसलिए रानी दुर्गावती को लेकर के लगातार यहाँ पे पैशंस बढ़ाए जाते हैं, और वो बड़ा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बड़ा स्लिपरी ग्राउंड है, बड़ी फिसलन भरी ज़मीन है, क्योंकि वो बात कहीं भी जा सकती है, क्योंकि वो जिन युद्धों की बात होती है जो इन बुर्जों से लड़े गए थे वो सचमुच में हुए थे, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बताई जाती है वो कुछ और है। अकबर से लड़ाई का कारण धर्म नहीं, सत्ता था। लेकिन जो एक दूसरा पक्ष भी है जो ये कहता है कि नहीं, जो गोंड प्रतीक थे, जो गोंड वंश के राजा थे, जो वैदिक हिंदुत्व है, जो वैदिक हिंदू धर्म है, उससे अलग थे, वो बात भी कितनी सही या कितनी गलत है आप अग्रवाल जी की बात में उसको पढ़ सकते हैं। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ हम आपको छोड़ेंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि आप इस तरह के कंटेंट रिच वीडियोस देखेंगे ताकि आपकी समझ पक्की ना हो, अगर तो बढ़े ज़रूर। समझ बढ़ाने के लिए इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए और ललन टॉप की चुनाव यात्रा को फॉलो करने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब एक मुफीद प्लेटफॉर्म लगता है, जो मेरे पीछे आपको इमारत नज़र आ रही है ये है राजराजेश्वरी, अगर जैरी इसी में उसको दोनों तरफ से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, है ना, जिसका इतिहास अभी अभी आपको बताया है चलते चलते। और चलते चलते मैं क्लोजिंग कर देता हूं, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर आपको हमारा कॉन्टेंट यूट्यूब पर देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ललन टॉप की चुनाव यात्रा आपके सामने है, ललन टॉप और सर्च बाबू के सौजन्य से, मनोज के साथ, बावनगढ़ों की राजधानी मंडला से, मैं हूं निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।